गाइस वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ छवि अरोरा। और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ बहुत टाइम बाद, मतलब कि आज समझ लो माय लास्ट छुट्टी भी नहीं है, माय लास्ट छुट्टी की मिडनाइट, पता नहीं कौन सी रात चल रही है ये, पर कल से हमारी क्लासेस है और कल से मतलब आज से ही मान लो क्योंकि टाइम इज़ अराउंड 3 समथिंग और हमारी कल क्लास है 8:30, तो हमें मतलब 5.5 घंटे रह गए क्लास स्टार्ट होने में और हमें उठना है 6:30 ताकि हम बस से जा पाए। तो हाँ, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी छुट्टियां थी नाइट की मॉड्यूल के बाद, तो वो 4-5 दिन की छुट्टियां बीत चुकी है जिसमें मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे व्लॉग डालने पेंडिंग थे, तो अभी वो भी आएंगे और फिर ये भी आएगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक दे देते हैं छुट्टियों में। वैसे भी छुट्टियों में हमने इतना कुछ खास नहीं करा, हम कहीं घूमने वूमने भी नहीं गए, हम जस्ट इधर ऐसे ही बैठे थे, पड़े थे ऐसे ही और खाया पिया था, बस हमने खाना बनाया था, सोए बहुत है हम, और मूवी देखी थी कुछ और कुछ खास नहीं करा। और पढ़ाई करी थी एनएट के लिए क्योंकि हमारी परसों एनएट की क्लास है, तो पढ़ाई में वही करा था और फिजियो का आज ही करा था क्योंकि हमारी कल क्लास है फिजियो की। तो हाँ, अब मैं आपको मिलवाती हूँ अंजलि से जो अभी तक जग रही है और उससे जानते हैं कि उसकी क्या वो है ओपिनियंस कल की क्लासेस से रिलेटेड। और हमारा सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, सेकंड सेमेस्टर नहीं सॉरी सेकंड ईयर फाइनली, मतलब एकदम ऑफिशियली कहा जाए तो सेकंड ईयर अब शुरू हो रहा है, तो उससे मिलवाती हूँ और उसकी ओपिनियंस जानो आप लोग भी। ये रही अंजलि, मिल लो इससे, बता भाई क्या बताना था कि कल के बारे में क्या ख्याल है। और हमारा सेकंड ईयर कल से फाइनली शुरू हो रहा है और 4-5 न्यू सब्जेक्ट आ गए हैं, तो हम मुझे लगता है कि बहुत हेक्टिक होने वाला है, हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा किसी और चीज़ के लिए, बस हम लोग आए करेंगे, खाना बनाए करेंगे, पढ़ा करेंगे, सो जाए करेंगे और शायद हम रात भर सो सकते, मैं मतलब रात को अब सोना शुरू कर दूंगा क्योंकि इतना थक जाए करेंगे और क्या ओपिनियन है। और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी एक एक क्लास सब भी हो जाए ताकि हमें पता चले कि किसने कितना पढ़ना है, और कोई ओपिनियन नहीं है। और हाँ, मेरी ये ओपिनियन ये कि हमें बहुत भागना दौड़ना शुरू करना पड़ेगा अब, हम एक ही कॉर्पस में अटेंड कर देते थे, अब वो खत्म हो जाएगा। और तुझे अपना हग्गू कैसा लग रहा है? छुपा वो मुझे नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब देखो जो भी है। का बलून विच इज पर्पल एंड हार्ट शेप्ड एंड फिल्ड विद हीलियम, और हीलियम से तुमने क्या करने का सोचा था? हमने सोचा था कि हीलियम जो होता है अगर उसका बलून को हम खोल के हीलियम को इनहेल करते हैं, मतलब इनहेल नहीं खाते हैं मुंह में, तो फिर क्या होता है कि हम जब उसके बाद बोलते हैं ना तो आवाज बहुत ही अजीब सी निकलती है बच्चों जैसी, और छोटे चिपमंक श्रिल अब तू बता कि तेरा कल के बारे में क्या ख्याल है और हमारा सेकंड ईयर शुरू हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो कैसा जाने वाला है? अच्छा, हमारे सारे हफ्ते क्लियर हो जाए और हम अच्छा परफॉर्मेंस करें और हम एंजॉय करें। इट शुड नॉट लुक स्क्रिप्टेड, बट इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, मतलब इस बार हमें टीचर्स अच्छे मिले और हम टाइम मैनेज कर पाए, ये भी स्क्रिप्टेड लग रहा है। हाँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है, थोड़ा खुल जाना। खुलना चाह रहा हूँ मैं। क्या क्वेश्चन था? कि कल हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है और हमें कल हमारी फिजियोलॉजी की क्लास भी और एक और कोई सब्जेक्ट है बेकार सा शायद, तो तेरे क्या ओपिनियन है कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे नए सब्जेक्ट्स को विद एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी? बहुत सारे सब्जेक्ट है पर हम मैनेज कर लेंगे, बस हमें अच्छी टीचर मिले और हमें थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। और ये तो बता कि हमारे फिजियोलॉजी के टीचर हमारे फिजियोलॉजी के टीचर थोड़े वैसे लग गए जो नंबर नहीं देते, तो काफी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यस, वही कल ही क्लास है। हाँ, और अभी टाइम क्या हो गया? धीरे धीरे बोल, बोल। हाँ तो गाइस, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया और हम बस सो रहे हैं अब क्योंकि सब हो गया। ये रहा कल के कपड़े वपड़े पहनने के, इसमें है शूज, और मैं आपको ये बिल्ली दिखाती हूँ, ये पैकेट में जो है, परीक्षा पकड़। अरे यार। ये बिल्ली है, ये ना उधर दुकान पे पड़ा था। नहीं है, मैं बताती हूँ। हाँ। ये इधर से चीता है। हाँ। ये इधर से टाइगर है। हाँ। और मुंह से ये बिल्ली है। हाँ। और कहीं से जीब्रा भी है। हाँ, ऊपर थैला पूरा जीब्रा टाइप से है ना, थोड़ा कुछ तो अजीब है। हाँ, तो ये 4-in-1 है। और अभी हम सो जाते हैं, मिलती हूँ सब कल सुबह आपसे, तब तक के लिए सो जाओ सब लोग, गुड नाइट। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, तैयार भी हो गए जैसा कि आप देख पा रहे हो गए शायद। हाँ, तो तैयार भी हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम कैब से जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल नींद खुली नहीं रही थी, आँखें ही नहीं खुल रही थी, फिर गौरव और जतिन ने भी बोला कि कैब से चलते हैं आज, तो फिर हमने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छा हमारे मन की बात कह दी, तो हम तैयार ही है। लेकिन अभी हम
क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि हम तैयार हैं। तो एक तो हमें दाल गर्म करनी थी जो कल बनी थी, क्योंकि वो थोड़ी थिक हो गई थी, तो अभी इसमें थोड़ा पानी वानी डालेंगे। और बाकी राइस तो है, फिर उसमें हम दाल चावल लेकर जाएंगे दाल गर्म करके। और बाकी हम बना रहे हैं कचरी ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। कचरी अंजलि हाय कर। गाइस तो हो गए हम लोग अब बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार, मफलर जैकेट सब पहन लिया एक्सेप्ट अंजलि, इसने कुछ नहीं पहना और ये खा रही है मजे से, और कचरी और दाल रोटी। गुड मॉर्निंग, हाय। हाँ, ये रहा फाइनल लुक। और आज मैंने बैग ले लिया है फाइनली, जो कि नहीं दिख पा रहा है। प्रेक्षा यार मेरे को दिखा ना। हम अभी खड़े हैं हॉस्टल के बाहर और कैब के आने का वेट कर रहे हैं, और मेरे को ये बैग टांगना और ये थैला पकड़ना बहुत ही तंग कर रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते। कैब आ चुकी है, चलो अंजलि। ये जतिन और गौरव, और मौसम ऐसे थोड़ा वो हो रहा है शाम जैसा। गाइस तो अभी हम पहुंच गए हैं क्लास में, मतलब अंदर नहीं पहुंचे, और बहुत ही लेट हो गए हम। फिर भी मैं ब्लॉक कर रही हूँ, तो मुझे डांट पड़ने वाली है इससे। बस पढ़े तो ये लैपटॉप वगैरह सब है, सबके डेस्क पे पड़े हुए हैं, पर इन द एंड हमें लिखने टास्क ही पड़ रहे हैं नोटबुक में। पता नहीं, तरुण तो सो के आया रात को। हाँ, मैं अपनी नींद पूरी करनी हूँ। पढ़ाई कुछ अनाथ वाला अनाथ क्या होता है। हाँ तो अभी हो गई है हमारी बुबली क्लास खत्म। कौन सा सब्जेक्ट था अंजलि वो? वैसे कोई तो बायोस्टैटिक्स टाइप नहीं, स्टैटिस्टिक्स टाइप था, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। हाँ, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स टाइप था, मतलब वो मतलब उसमें बस लिखना होता है, लेकिन वो मेन सब्जेक्ट नहीं है मेडिकल का। तो अभी हमारी क्लास हो गई खत्म और टैक्सी आ रही है, तो हम जा रहे हैं घर। बस अभी हम बैठ गए टैक्सी में। और एक चीज़ बता दूँ मैं कि फिजियोलॉजी के ग्रुप में मैसेज आया है कि जो क्लास है वो 1 बजे से नहीं 3 बजे से है, तो हमें अब हम अब जाकर रेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं जाकर शायद सो जाऊँगी 1-1.5 घंटा, फिर हमारी वो फिजियोलॉजी की क्लास तो पास में ही है, 15 मिनट का रास्ता है, तो फिर 2:30 पर निकल के पहुँच जाएगा, 2:30 या 45 तक निकल के। हाँ तो गाइस हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी फिजियोलॉजी की क्लास में, और हम सो गए थे ना तो हम उठे 2:20 कुछ के आसपास, और फटाफट बस फिर से तैयार होकर भाग गए। और इतनी अच्छी नींद आई, पर उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक तो रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सो ही रहो, पर आज पहली क्लास है और ख़तरनाक टीचर, छुट्टी नहीं मार सकते, और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। तो गाइस हम बस पहुंच ही गए, लेकिन सिर्फ पहुंचने से बात नहीं बनती है। क्लास शुरू होने में 6 मिनट्स है, और हमें क्या करना है, हमें वहां पर जाकर चेंज भी करना है, और फिर 4th फ्लोर तक चल के भी जाना है। तो देखते हैं कि हम टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। गाइस तो हम पहुंच गए टाइम पर, अभी 2 मिनट है क्लास स्टार्ट होने में। हैप्पी हाँ गाइस तो हमारी फिजियोलॉजी की क्लास हो गई है ख़त्म, और जितना बना रखा था कि बहुत मुश्किल होगी बहुत मुश्किल, वैसा तो कुछ नहीं था, मतलब कि इट वॉज ओके, और जो टीचर है वो भी ओके है। पर ये अच्छी बात है कि वो पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ, समझा भी रहे हैं, और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और होम असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, तो सही था। पर अभी फर्स्ट क्लास ही थी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी आगे वाली क्लास में पता चलेगा, चूँकि परसों है तो। हाँ, और मुझे नीचे देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि इधर बहुत कीचड़ है, पता नहीं यहाँ पर इतना कीचड़ क्यों हो जा रहा है। देख, गाइस एक बार, बस एक बार वेदांत को देख लो, कितना क्यूट लग रहा है, ईयरफोन्स लगा के आ रहा है।
गाइस तो अभी हम आ गए शोरमा खाने के लिए, ये पास में ही है अरमादा मॉल के, तो काफी दिनों बाद आए। हाँ तो हम शोरमा खाकर घर आ गए थे और अभी वो बना रही है फ्राइड राइस, मतलब अंजलि बना रही है, और बस आज का रात में खाना वही होगा क्योंकि कल नाइट भी है और बहुत थक गए बहुत ज़्यादा हम चारों ही, तो और तो कुछ नहीं बनाएंगे, रोटी वगैरह वही खाएंगे आज। और क्या, और मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं बिल्कुल एक उसमें हूँ एक, हाँ तो मतलब मैं एक क्रॉस रोड में हूँ कि मेरे को एनाटमी पढ़नी चाहिए या फिर सो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एनाटमी पढ़नी भी रहती है लेकिन नींद भी बहुत आ रही है, सोना भी रहता है अभी। और तो मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं एनाटमी पढ़ लेती हूँ 8 बजे तक, फिर पढ़ के एक ही बार सो जाऊँगी 9 बजे, लेकिन मेरे को इतनी नींद आ रही है कि मेरे को लग रहा है मेरा दिमाग चल ही नहीं पाएगा, तो शायद मैं अभी सो ही रही हूँ 1-2 घंटे और फिर उठ के फ्रेश होके खा के पढ़ के फिर रात को 1 बजे तक सो जाएगी। सेम प्लान आई हैव, प्लान शी हैज, अभी सो बाद में पढ़ो। हाँ तो मैं सो के उठ गई थी और अभी 9 बज रहे हैं तो मैं आराम से 4 घंटे सो चुकी हूँ, क्योंकि एक तरीके से मैंने अपनी नींद पूरी कर ली और आज से मैं पक्का लाइक 1 तक तो सो ही जाऊँगी, ताकि कल सुबह हम जल्दी की क्लास है तो उठ पाए। और आज हमने सीख लिया कि उठना चाहिए हमें, मतलब सोना चाहिए टाइम से ताकि जल्दी उठ पाए। और अभी मैं खा लेती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ 12-1 बजे तक, फिर मैं सो जाऊँगी। हाँ तो गाइस पढ़ाई वगैरह हो चुकी है और मैं नहाने चली गई थी, अभी टाइम हो रहा है 1:30, मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि फिर सुबह नहीं नहाना पड़ेगा क्योंकि सुबह की क्लास है। तो हाँ अब मैं बस एक बार PDF रीड करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, बाकी तो हो गया ऑलमोस्ट। तो हाँ अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। अबे यार ये कैसे नाच रहे हैं ऐसे अबे।